किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि यूं तो रक्तदान और कन्यादान दुनिया में महान दान कहे गए, लेकिन आज के जमाने में वक्त दान भी सबसे बड़ा दान है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी है चार दोस्तों की, नवीन, संतोष, मनीष और प्रवीण। ट्वेल्थ की पढ़ाई पूरी करने के बाद चारों ने डिसाइड किया कि हम एक छोटी सी पार्टी करते हैं। पुराने जमाने की कहानी है, तो चारों ने एक उस शहर की महंगी होटल जो थी बढ़िया सी उसमें पहुंचे। मुश्किल से 100 रुपए इकट्ठे किए, चाय नाश्ता करने के लिए पहुंच गए और चाय नाश्ता चलता रहा, हंसी मजाक चलती रही। जब बिल देने की बारी आई तो वेटर आया बिल लेकर के, और बिल पे करने से पहले इनके बीच में एक बड़ा मजेदार सा डिस्कशन जो है शुरू हो गया। एक ने कहा कि काम करते हैं, 40 साल बाद अब हम मिलेंगे, 40 साल तक मिलेंगे नहीं, और देखते हैं 40 साल में कौन कितना ग्रो करता है। वो बच्चों वाली शर्त लगती है तो लग गई। तो सब ने कहा कि हाँ सही है सही है, 40 साल बाद मिलेंगे और साल की पहली तारीख 1 जनवरी को मिलेंगे, और उस दिन जो सबसे आखिरी में आएगा उसको बिल पे करना है और इसी होटल में आएंगे। इन्होंने कहा जी ठीक है देख लेते हैं। वेटर जो था, जिसका नाम भोला था, सारी बात सुन रहा था। उसने कहा क्या बात है, आपकी तो बड़ी मजेदार शर्त लगी है, 40 साल के बाद अगर मैं यहीं रहा तो मैं भी आपकी पार्टी देखना चाहूंगा। इन्होंने कहा ठीक है जी। 40 साल कब बीत गए मालूम नहीं चला, लेकिन 40 साल में सब कुछ बदल गया। वो जो शहर था वो बड़ा शहर बन गया, फ्लाईओवर बन गए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन गई, इनफैक्ट वो जो होटल थी वो 5-स्टार होटल बन गई। जो वेटर था भोला वो उसका मालिक बन गया, और इन सब की जिंदगी भी बदल गई। कोई इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई करने के लिए बाहर चला गया तो वहीं सेटल हो गया, कोई सरकारी जो है जॉब में लग गया, कोई पिताजी का बिजनेस आगे बढ़ाने लग गया, सब अपने अपने जिंदगी को सेटल करने में लग गए। 40 साल कब बीत गए मालूम नहीं चला, खूबसूरती देखिए 40 साल के बाद भी। चारों को याद था कि 1 जनवरी को मिलना है, तो उसी होटल में जो है एक एक करके सबका आना शुरू हुआ। सबसे पहले मनीष आया अपनी लग्जरी कार में और उतरा और जाकर के दोस्तों को ढूंढने लगा, तो उसने पहचान लिया वेटर ने जो सेठ बन चुका था भोला ने। उसने कहा अरे आइए सर, प्रवीण सर ने आपके लिए टेबल बुक करवा दिया, आपने मुझे पहचाना, मैं 40 साल पहले यहीं वेटर था। अरे क्या बात है, तुम ही थे जिसने सारी बात सुनी थी। बोले हाँ जी। मनीष भी बड़ा खुश हुआ कि बहुत बढ़िया, आपने अच्छी होटल बना लिया। वेट करने लगा बाकी दोस्तों का। थोड़ी देर बाद संतोष आया, दोनों की बातचीत होने लगी। संतोष ने कहा अपना तो बढ़िया कपड़ों का बिजनेस चल रहा है। मनीष ने कहा मेरी भी ज्वेलरी की जो है शोरूम जो है 3-4 हो गई, अब तो बढ़िया ग्रो कर रहा हूँ। थोड़ी देर में नवीन भी आ गया। नवीन ने कहा जी अपना भी जो है बिजनेस बढ़िया चल रहा है, मिल है अपनी और अच्छी मिल जो है काम कर रही है, सब ठीक चल रहा है। तीनों की बीच में बिजनेस को लेकर बात हो रही थी और इंतजार हो रहा था चौथे दोस्त का, यानी कि प्रवीण का। प्रवीण आया नहीं तो परेशान हो रहे थे, क्या होगा कब आएगा। सेठ जो था भोला आया, उसने कहा कि प्रवीण सर का कॉल आया, वो कह रहे हैं आप स्नैक शुरू कीजिए। तो इन्होंने स्नैक शुरू किया, वेट करने लगे कि आ ही जाएगा। फिर से जो था सेठ जो था भोला, उसने कहा कि आप ये मेन्यू लीजिए और इसमें से जो ऑर्डर करना है कीजिए, प्रवीण सर कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ, आप डिनर शुरू कीजिए, थोड़ा सा देरी हो रही है। तो वेट करते करते 1.5 घंटा निकल चुका था, इन्होंने ऑर्डर कर दिया कि ठीक है, डिनर लग गया। डिनर करने लगे, भोजन करने के बाद लगा कि प्रवीण शायद आएगा नहीं, तो बिल पे करने की बारी आई। इन्होंने कहा साहब लाओ, क्या बिल हुआ। तो भोला दौड़ के, उसने कहा बिल पे करने की जरूरत नहीं, अभी अभी ऑनलाइन आपका पेमेंट हो गया। ये चक्कर में पड़ गए कि प्रवीण आ क्यों नहीं रहा है, बिल भी पे कर दिया है, मिल भी नहीं रहा है। भारी मन से वहां से उठे और जाने लगे तो दरवाजे पर एक सरकारी गाड़ी आकर के रुकती है। एक लड़का दौड़ के आता है और तीनों के चरणों में गिर जाता है, प्रणाम करता है, कहता है अंकल नमस्ते, पापा जी ने मुझे भेजा है और मेरे पिताजी शिक्षक बन चुके थे, मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस शहर का कलेक्टर बन गया हूं, और 1 महीने पहले ही पापा ने सारे अरेंजमेंट करवा दिए थे। उन्हें कैंसर हो चुका था, बीमार थे और उन्हें मालूम था कि शायद वो पहुंच ना पाए 1 जनवरी तक वहां तक, इसलिए सारे अरेंजमेंट करवा दिए थे और मुझे कहा था कि तुम सबसे बाद में जाना, बताना मत कि मैं इस दुनिया में नहीं हूं, वरना उनकी वो जो 40 साल के बाद पार्टी हो रही है उसमें मजा नहीं आएगा। पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप ऐसे ही मिलते रहें। तो उन तीनों दोस्तों ने एक साथ कहा कि अब हम 40 साल के बाद नहीं, हर 40 दिन में मिलेंगे। और ये सुन के उन्हें बुरा लगा कि उनका दोस्त चला गया। वो ये सोचने लगे कि हम 40 साल में मिले क्यों नहीं। ये छोटी सी कहानी उन दोस्तों की नहीं, आपकी हमारी है। आप और हम भी इस चक्कर में रहते हैं कि मिल लेंगे, आगे मिल लेंगे। अपने ही लोगों से हम किसी सेलिब्रेशन में मिलते हैं, किसी शादी में मिलते हैं, किसी फंक्शन में मिलते हैं, वरना मिलते नहीं है, क्योंकि हमारे पास में वक्त नहीं है। वक्त दान करना शुरू कीजिए अपनों के लिए, उनके लिए जो आपकी जिंदगी में अहमियत रखते हैं। ये मत इंतजार कीजिए कि आने वाले टाइम में मिल लेंगे। अगर ऐसा सोचते रहे तो ना जाने कौन कब आपका साथ छोड़ के चला जाए, क्योंकि आदमी वाकई बुलबुला है पानी का। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ को जैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।